अपना पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है। सो हाय, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और मुझे कुछ होम अप्लायंसेस की ज़रूरत थी, तो मैं आया हूँ IFB स्टोर पे। और ये IFB स्टोर है आपका प्लाज़ा मॉल गुड़गांव में। तो चलो चलते हैं सबसे पहले IFB स्टोर पे और देखते हैं वहाँ पे कि मुझे क्या होम अप्लायंसेस की ज़रूरत है। तो ये रहा प्लाज़ा मॉल में IFB का स्टोर। और देख सकते हो यहाँ पे मेनली तो मुझे दिख रहा है कि ये वॉशिंग मशीन ही है शायद, और ऐसा वॉशिंग मशीन मैं पहली बार देखा हूँ। नहीं तो आज तक हमने देखा है कि वो जिसमें कि दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक में आप धुलते हो और दूसरे में आप ड्राइंग का काम करते हो। तो चलो मिलते हैं यहाँ के लोगों से और बात करते हैं। और यहाँ पर ये दो बंदे मुझे दिख रहे हैं, एक ये हैं और एक ये। तो चलो पहले इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुसूदन है। अच्छा, इनका नाम मधुसूदन है। आप यहाँ पे क्या देखते हो? मैं शेफ हूँ। मतलब IFB में शेफ? हाँ, बेसिकली ये रेस्टोरेंट तो है नहीं। ना ना, बेसिकली ये होता है कि IFB के ओवंस भी है, माइक्रोवेव ओवंस होता है। अच्छा, तो लोगों की ये होती है डिमांड कि हम ओवन सिर्फ खाना गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपके पास ओवन है तो आप इसमें बेकिंग, कुकिंग वगैरह हर एक चीज़ आप इसमें कर सकते हो। तो ये चीज़ तो आप ये लाइव डेमो देने के लिए पैसा करते हो। तो मुझे आप कोई एक ओवन दिखा सकते हो कि एक्चुअली मुझे एक ना बजट में ओवन चाहिए, तो मुझे कौन सा ओवन लेना चाहिए? ये मेरा ऑपरेटेड ओवन है, इसमें मैं ये यूज़ करता हूँ, 25 लीटर का SC4 कन्वेक्शन। ये ओवन मैं ऑपरेट करता हूँ, 25 SC4 कन्वेक्शन मॉडल है। ये ऑल पर्पज़ यूज़ के लिए होता है, जिसमें आप खाना गर्म भी कर सकते हो, बना सकते हो, बेकिंग कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, कुछ ही रोस्ट करना वो कर सकते हो 25 लीटर का। तो इसमें मैंने भी थोड़ी देर पहले पिज़्ज़ा बनाया था। अच्छा, तो वही लाइव डेमो चल रहा है, तो फिर थोड़ी होगा, लेकिन मैं आपको भी लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। मतलब आप यहाँ क्या अपने कस्टमर को पिज़्ज़ा वगैरह बना के खिलाते हो क्या? कि कस्टमर हमारे आते हैं, उन्हें लगे कि हाँ स्टोर में कुछ हो रहा है, तो उनको थोड़ी जानकारी मिलती है कि हाँ ऐसा कुछ भी है कि माइक्रोवेव में हम ये चीज़ें कर सकते हैं, उनको थोड़ी नॉलेज मिल जाती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एकदम। तो माइक्रोवेव में और क्या कर सकते हैं आप? इसमें जो चीज़ें गैस पे बनती है वो सारी चीज़ें बन जाएंगी, जो OTG में बनती है जिसमें हमें बेकिंग कहते हैं, रोस्ट करना कहते हैं, ना टोस्टर की ज़रूरत है हमें, ना OTG की ज़रूरत है, आप सब कुछ किसी भी माइक्रोवेव में कर सकते हो कन्वेक्शन। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे ये बटन्स हैं, ये सारे बटन्स आखिर किस काम के हैं? मैं जैसे ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, ये टाइम के हैं बटन से, ऊपर वाला मिनट मेंशन करता है और नीचे वाला सेकंड मेंशन करता है। इतना जो पार्ट है ये ऑटो कुक मेन्यू का पार्ट है माइक्रोवेव का। ऑटो कुक मतलब जैसे मेरे को ये डेजर्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये ग्राम पूछता है, 475 ग्राम। मेरे को केक वगैरह कुछ बनाना है तो इतने ग्राम इसका वेट होना चाहिए एक्चुअल। तो सेम वैसी बाकी सारे सिस्टम काम करता है, रीहीट का हो गया, बेवरेज हो गया, क्वांटिटी 1 कप बनाना है, 2 कप बनाना है, 3 कप बनाना है। मेन हमारा 3 मोड्स होते हैं माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव, कन्वेक्शन और ग्रिल, 1 2 3, ये मेन बेसिकली 3 ही मोड्स होते हैं। ये होता है हमारा हीटिंग और बॉइलिंग यूज़ होता है, जो हमारा खाना गर्म करना होता है। लेकिन जो चीज़ें हीटिंग और बॉइलिंग के पर्पज़ से बनती हैं, जैसे चावल हो गया, बिरयानी हो गया, जो चीज़ें खीर सेवई वगैरह, वो आप माइक्रोवेव मोड पर बना सकते हो। कन्वेक्शन काम करता है बेकिंग के लिए, क्योंकि हमें बेकिंग के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो इसमें 110 से 200 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, तो हम बेकिंग की सारी चीज़ें हम कन्वेक्शन मोड पे करते हैं। ग्रिल काम करता है रोस्टिंग का, जो चीज़ हमें देना, तंदूरी इफेक्ट देना है, सैंडविच बनाना है, वो सारी चीज़ें ग्रिल पे होता है। बाकी इसकी सेफ्टी के लिए दिया हुआ है स्टीम क्लीन, अगर हमारी कैविटी गंदी हो गई है तो इसको हम किसी बाउल में पानी लेके हम इसकी कैविटी को क्लीन कर सकते हैं। कीप वार्म, कि हम कोई खाना कुछ खा रहे हैं, सपोज हमें आधा घंटा बाद खाना है तो इसको हम कीप वार्म करेंगे और टाइम डालेंगे, यहाँ पर मैं खा रहा हूँ कुछ, वो आधे घंटे बाद मेरे को उसी टेम्परेचर पे मिले, तो मैंने 30 मिनट का टाइम डाल दिया। डीओड्राइज, अगर इसकी कैविटी में से स्मेलिंग आ रही है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्मेलिंग आ रही है, उसको कैविटी की स्मेलिंग को ख़त्म करने के लिए हम डीओड्राइज करेंगे उसे। बाकी कॉम्बी मोड्स हैं दो, माइक्रो प्लस ग्रिल, अगर कोई चीज़ हम माइक्रोवेव भी चले और ग्रिल मोड भी चले तो उसका कॉम्बिनेशन है 1 2। माइक्रो प्लस कन्वेक्शन का कॉम्बी दे रखा है इसके अंदर। ये वेट डिफ्रॉस्ट, अगर हमारी कोई चीज़ें ज़्यादा जम गई है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए वेट डिफ्रॉस्ट का यूज़ करेंगे, बाकी ये स्टार्ट का और ये कैंसिल का। तो चलो आपने देख लिया कि किस तरीके से इस ओवन को यूज़ करते हैं, और आई होप सो कि जैसे आपने इस ओवन को यूज़ करने को बताया वैसे ही ऑलमोस्ट सभी ओवन को यूज़ किया जाता होगा। इसकी प्राइस कॉस्ट क्या है?
ये 15,290 का है, तो इसमें क्या कोई डिस्काउंट वगैरह रहता है या जितना होगा? हाँ, 20% डिस्काउंट। ठीक, कौन है स्टोर मैनेजर यहाँ पे? कौन है हमारे सर? अच्छा, सर है स्टोर मैनेजर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। हाय राहुल जी, कैसे हैं? तो एक इसका मुझे इस पे कितने परसेंट तक का डिस्काउंट मिल जाता है? माइक्रोवेव आप लेंगे, माइक्रोवेव पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। 20% तक आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे माइक्रोवेव पे। प्लस आपको हमारे पास में जो स्कीम्स चल रही हैं, सारी स्कीम्स आपको मिल जाएंगी, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि माइक्रोवेव कोस्ट जैसे कि 15,290 का भी आपने देखा, ये अराउंड आपको 12,000 तक का आपको पड़ जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। ओके, अच्छा, खास करके क्या होता है कि होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कि आफ्टर सेल सर्विस की थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, जो कि कई बार मेरे साथ भी हुआ है आफ्टर सेल सर्विस की दिक्कत। तो आईएफबी में क्या आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? आफ्टर सेल सर्विस, अगर आपका कोई भी अगर कॉल होता है, आप रजिस्टर्ड कराते हैं, विद इन 24 आवर्स वो आपका कॉल कम्प्लीट हो जाता है। अदरवाइज अगर कस्टमर अगर हमसे पर्सनली अगर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हम उनको पर्सनली भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस को लेके कस्टमर कोई ट्रबल नहीं करना पड़ता कभी मार्केट के अंदर। अच्छा, मान लो मैंने ओवन लेके मैं गया और यहाँ तो भी ये कह रहे हैं कि मैं लाइव डेमो दूंगा, मैं लाइव में आपको पिज्जा करके दूंगा, ये जो हमारे शेफ हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आईएफबी अपने स्टोर में शेफ को रख रही है। और मान लो मैं घर गया और मुझे घर पे नहीं बनाना आ रहा है, क्या आप मेरे घर आ जाओगे? बिल्कुल, होम डेमो प्रोवाइड करेगी आईएफबी, तो आप मुझे घर पे भी आके बना दोगे। तो आईएफबी की एक सबसे अच्छी सुविधा ये भी है कि यदि आप अपने घर पे, आपको अगर नहीं बनाना आता है, तो आप इनके स्टोर पे कांटेक्ट करो और ये आपको घर पे भी जाके शेफ जो है आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे यूज़ करो। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओवन के केस में है या इसके केस में भी है? इसमें भी आपको ना घर पे जाके पूरा दिया जाता है, जो इंस्टॉलेशन के टाइम जाते हैं वो आपको इसमें सारी चीजें ऑपरेट करके बताएंगे, कपड़े धुल के भी दिखाते हैं बेसिकली। अच्छा, तो अगर मैं वॉशिंग मशीन भी लेता हूँ तो ये, तो चलो अभी मुझे वॉशिंग मशीन तो नहीं लेना है, अभी मुझे ओवन लेना है। तो चलो मैं कौन सा ओवन लेता हूँ वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं लाइव डेमो जरूर देखूंगा। और आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, और भाई से बात किया जब मैं स्टोर में आया, तो ये एक रैपर भी हैं और अच्छे कुक भी हैं, तो आई होप सो कि इनका कुछ और वीडियो भी मैं इस चैनल पे लेके आऊँगा। तो बने रहिए चैनल पे, पहले अब लाइव डेमो देखते हैं और टेस्ट करते हैं। लाइव डेमो के लिए अपना पिज्जा रेडी हो रहा है, और पिज्जा रेडी हो जाएगा तो पिज्जा टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर एक माइक्रोवेव ओवन लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे ये भी देखना है कि ओवन कैसे क्या होता है, अगर नहीं कुछ होता है तो फिर जो यहाँ शेफ है उसको मैं बुलाऊंगा, वो वहाँ पे भी कुछ मुझे गाइड कर देगा। और दूसरी चीज़ की आफ्टर सेल एंड सर्विस की जो राहुल सर ने बात कही, तो इस कंपनी का मैंने अभी तक तो ऐसे कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, लेकिन एक बार यूज़ करके देखता हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी रहती है। और साथ ही इस स्टोर में मुझे एसी, आपका ये स्प्लिट एसी, विंडो एसी, और ये इंडस्ट्रियल एसी है क्या? डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, तो आई भी तो ऐसे इंडस्ट्रियल एसी और इंडस्ट्रियल में नहीं आता है, अभी जो आता है आपका इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन, इंडस्ट्रियल आपका ड्रायर, वॉशर, ओके, इन चीज़ों में आएगा। तो आईएफबी, इसके साथ ही आईएफबी का इंडस्ट्रियल रेंज में बात करें तो वॉशिंग मशीन और ड्रायर और डिश वॉशर आता है। तो वॉशिंग मशीन का डेमो हम किसी और दिन देखेंगे या किसी और स्टोर में जब इसकी ज़रूरत लगेगी तो देख लेंगे, अभी फ़िलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं एक लुक दिखाता हूँ कि इस स्टोर में क्या क्या अवेलेबल है।
अपना पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है, ये दिख सकता है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे शेफ भाई साहब ने इस पिज़्ज़ा को रेडी किया है, तो चलो अपन अभी इसको टेस्ट करते हैं। बिल्कुल जैसे आप डोमिनोज या पिज़्ज़ा इन या पिज़्ज़ा हट में खाते हो, भाई ने बिल्कुल वैसा ही पिज़्ज़ा बनाया है। और अगर कोई इंटरेस्टेड है कि घर पे पिज़्ज़ा वगैरह बना सकूं, तो ये ओवन ले सकते हैं। और मैं भी बेसिकली इस टाइप की कुकिंग के लिए ओवन ले रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जब कभी मुझे पिज़्ज़ा बनाना होता था तो मैं कढ़ाई में नमक डाल के बनाता था। आपको पता होगा कि उससे भी पूरा जो है हीट जो है जनरेट होता है, तो मैं उस हीट से काम करता था। लेकिन अब तो अपने पास ओवन होगा तो ओवन में ये चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। तो चलो, ओवरऑल जो आईएफबी की सर्विस है अब तक की, बहुत ही अच्छी सर्विस है। अब ये ओवन का परफॉर्मेंस क्या होगा ये तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा, तो कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू आपको दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। साथ ही अगर आप चाहते हो कि कुछ और प्रोडक्ट मैं दिखाऊँ, कुछ और स्टोर में दिखाऊँ, तो उसके बारे में मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करो, वी विल डू। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।